हाई गर्ल्स लेट्स मेक दिस ईजी क्रीमी यमी वाइट सॉस पास्ता टुडे इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ फॉमले का एक गिल फ्री मखाना मैक्रोनी पास्ता इसमें कैल्शियम फाइबर्स और प्रोटीन बहुत ज़्यादा है नॉर्मल पास्ता से और ये हंड्रेड परसेंट मैदा फ्री है इसके बारे में मैं डिटेल में आपसे बात करूँगी अपनी रेसिपी के साथ सो स्टे ट्यून और ये मखाना पैने पास्ता भी इसका आता है सो लेट्स वीडियो सो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए अपना मैकरोनी पास्ता और मैंने ये एक सर्विंग के लिए अराउंड 50 ग्राम पास्ता लिया है सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स ये मखाना से बना हुआ है ये मैंने कॉर्नफ्ल लिया है मलाई या फ्रेश क्रीम ऑर्गैनो चिली फ्लेक्स चीज़ स्प्रेड सॉल्ट एंड मिल्क सो so, स्टार्ट करते हैं अपनी ईजी पीजी रेसिपी तो देखते रहिए सो so, मैंने यहाँ पे लिया है अप्रोक्सीमेटली 500 हंड्रेड वाटर क्योंकि मैंने 50 ग्राम पास्ता लिया है और अब इस बॉइलिंग वाटर में हम इसको डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट भी मैंने इस वाटर में ऐड किया है क्योंकि हम पास्ता को इसमें बॉईल करने वाले तो थोड़ा सा सॉल्ट इसमें इन्फ़्यूज़ हो जाएगा और मैंने ये मखाना मैक्रोनी पास्ता यूज़ किया है इसमें जिसमें फ़ाइव टाइम्स मोर कैल्शियम है और टू टाइम्स मोर डाइट्री फाइबर है हंड्रेड परसेंट मैदा फ्री है ये कुकिंग इंस्ट्रक्शन के साथ आता है और इसमें प्रोटीन की कोांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है हमारे नॉर्मल रिफ़ाइन फ्लावर पास्ता से और मैंने इसका ये मखाना पैने पास्ता पहले ट्राई किया है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसकी रेड सॉस पास्ता रेसिपी भी मैंने पोस्ट थी और ये इतना अच्छा था टेस्ट में कि मैं एक और रेसिपी ट्राई करना चाहती हूँ इसके दूसरे पास्ता के साथ सो so, बॉयल हो करने देते हैं हमारे इस पास्ता को पाँच से दस मिनट के लिए उसके बाद आगे बनाते हैं सो so, अब मैंने एक पैन को हीट कर लिया है अपने इंडक्शन पे और इसमें हम फ्रेश क्रीम डालेंगे मैंने होममेड क्रीम ली है और जिसको मलाई बोलते हैं आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट और इसमें हम डालेंगे आ, वन टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर आप देख सकते हैं मैंने कितनी क्वांटिटी ली है और इसे हमें रोस्ट करना है आप इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे अदरवाइज इट विल बर्न और इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हमें रोस्ट करना है और उसके बाद हम इसमें आगे के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे तो मैंने जो पहने पास्ता बनाया था इट वॉज़ रियली गुड और उसमें उसका टेक्स्चर उसका टेस्ट बिल्कुल सिमिलर था हमारे जो नॉर्मल पास्ता होते हैं और वो मुझे बहुत टेस्टी लगा था सो आज मैं इसका मैकरोनी पास्ता ट्राई करने वाली हूँ जिसके लिए हम ये रेसिपी बना रहे हैं सो मेरे जो कॉर्नफ्लावर था उसने कलर ऑलमोस्ट चेंज कर लिया है तो अब इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे और अपनी जो क्रीम है जो वाइट सॉस है उसको बनाएंगे सो मिल्क ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम अब मिला लेंगे हमें इसमें लंप्स बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं सो so, मैं इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर आगे की रेसिपी आपको दिखाती हूँ लंप्स ख़त्म करने के बाद सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स और इसको थोड़ा सा और थिक करना चाहें आप तो कर सकते हैं अदरवाइज़ ये कुक uh, होते होते आगे थिक हो जाएगा सो दिस इज़ हाउ माई वाइट सॉस इज़ लुकिंग अब हम इसमें बाकी इन्ग्रीडियंट्स ऐड करेंगे uh, ये कंसिस्टेंसी आपको लेके आनी है और क्रीम आप अगर चाहें तो थोड़ी सी और बना सकते हैं जितना क्रीमी या जितना uh, प्योरे आपको चाहिए अपने मैक्रोनी में इसमें मैंने अब अपना ऑरिगेनो ऐड किया है मेरा ऑरिगैनो ऑलरेडी सॉल्टेड है तो मैं सॉल्ट बाद में बहुत कम यूज़ करूँगी इसमें हम अब अपने चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक पिंच ऑफ सॉल्ट क्योंकि मेरे ऑरिगेनो में ऑलरेडी सॉल्ट है तो मैंने सॉल्ट कम लिया है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर सकते हैं और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारी सॉस में हमारे जो भी स्पाइसेस हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं So, अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे और इस टाइप की कुछ हमारी क्रीम हमारी जो वाइट सॉस है वो बन जाएगी इसमें आप चाहे तो वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं लाइक स्वीट कॉर्न एट्सट्रा मैंने नहीं ऐड किया है मुझे सिंपल पसंद है और इसमें अब हम ऐड करेंगे अपना चीज़ स्प्रेड तो मैं एक टेबल स्पून चीज़ स्प्रेड इसमें ऐड करने वाली हूँ आप मोजरेला चीज़ या प्रोसेस चीज़ कोई भी चीज़ ग्रेड करके इसमें ऐड कर सकते हैं विच एवर यू लाइक मैंने इसमें ऐड किया है अपना चीज़ स्प्रेड और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा जो क्रीम है वो मिक्स हो जाए सारा चीज़ जो है वो क्रीम में मिक्स हो जाए और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना मैकरोनी पास्ता जो मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया था सो लाइक यू कैन सी कि सारा पास्ता अलग अलग है स्टिक नहीं हुआ है एक साथ आ, कलर बहुत से नॉर्मल आया है देखने में ब्लैक था बट नॉर्मल कलर में आ, चेंज हो गया है और अच्छे से अब इसको मिक्स कर लेते हैं और दो तीन मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे ताकि जो हमारी क्रीम है जो हमारा फ्लेवर है वो हमारी मैकरोनी में अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए सो so, मुझे लग रहा है कि ये भी बहुत ही अमी होने वाला है हमारे रेड सॉस पास्ता की तरह सो so, मैं सर्व करके और आपको बताती हूँ कैसा है इसका टेस्ट सो so, हमारा वाइट सॉस पास्ता रेडी हो गया है दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग मुझे सिंपल वाइट सॉस पास्ता बहुत पसंद है विदाउट वेजिटेबल्स सो मैंने यूज़ किया ये फामले का मखाना मैगरानी पास्ता और ये पहला नट्स पास्ता है इंडिया का सो so, ये और एक लेटेस्ट लॉन्च है जो फॉम्ले ने मुझे सेंड किया था सो so, इसको ट्राई करके बताते हैं कि कैसा है ये इट्स रियली यमी और बहुत टेस्टी है बहुत टेस्टी है जस्ट लाइक अवर नॉर्मल पास्ता लेकिन ये इतना हेल्दी है सो आई एम रियली एन्जॉइंग दिस एंड आई एम गोइंग टू मेक मोर रेसिपीज़ यूजिंग दिस थैंक यू सो मच फॉमले फॉर सेंडिंग दिस इट्स रियली हेल्दी एंड टेस्टी एंड आई हैव नेवर थाट कि नट्स uh, का पास्ता भी इतना टेस्टी हो सकता है पहली बात तो ये सोचा ही नहीं कि मखाना से भी पास्ता बन सकता है बट इट्स